सेकेंड नंबर इसका देखते हैं वक्र दिया है y इक्वल टू में एक्स का पावर फोर ये भी परवलय का ही रूप है देखिएगा अभी मैं बताऊंगा x इक्वल टू वन ये रेखा है x इक्वल टू फाइव एवं एक्स अक्ष एवं एक्स अक्ष इन सब से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है चलिए हम लोग इसके लिए फिगर बनाते हैं ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इधर x डैश ऊपर यहां y और नीचे मैं देता हूं यहां पर y डैश अब देखिए यहां जो बनाएंगे ना ये थोड़ा सा आप पतला बनाएंगे इस तरह से ऐसा क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए आप यहां पे अगर यहां मान रखिए ग्राफ जैसे बनाना जानते हो जीरो रखोगे जीरो आएगा वन रखोगे वन आएगा टू रखोगे तो सिक्सटीन आ जाएगा थ्री रखोगे यहां पर तो थ्री का पावर फोर करोगे एटी वन आ जाएगा तो ये थोड़ा और पतला बनेगा मैंने तो ज्यादा चौड़ा ही कर दिया है और पतला ये बनना चाहिए ऐसे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली वैसे फिर भी हम लोग बनाएंगे चलिए तो ये ग्राफ जो हमने बनाया किसके लिए है? वाई इक्वल टू में एक्स का पावर फोर के लिए ठीक है ऐसे ही बनेगा आप बनाकर भी देख सकते हो एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन कहां से जाएगा यहां होगा एक्स इक्वल टू वन कहीं ना होगा ये एक्स इक्वल टू वन के लिए हो गया फिर कह रहा है एक्स इक्ल टू फाइव अच्छा एक्स इक्ल टू फाइव का मान लो इधर से होगा वैसे तो इतना पास नहीं होना चाहिए एक्चुअल में पता कहाँ होगा आप सोचो ना एक्स का वैल्यू फाइव रखोगे तो फाइव का पावर फोर जो होगा कितना आएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो ये सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सोचो कहाँ जाके मिलेगा तो उतना लंबा हम लोग बनाएंगे ना ग्राफ तो पता चलेगा ये आसमान छुएगा तो उतना ध्यान नहीं देते हम लोग हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी होगा वहाँ उससे कोई मतलब नहीं है ये हमारा एक्स बराबर फाइव का है ठीक है अंदाजे से हमने ले लिया तो देखिए ये दो रेखाओं हो एक्स और इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ही रहे इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है इसमें फिगर भी नहीं बनाते ना तो चल जाता कोई दिक्कत नहीं था ये ए बिंदु ले लेते हैं इसका निशान जीरो रेखा है एक्स इक्वल टू फाइव का इसका निशान फाइव कॉमा जीरो सी ले लेते ले 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 हैं और ये डी ले लेते ले ले हैं तो इसी भाग का ना छत निकालना है हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल तो देखिए यह वन टू फाइव तक गया है और इस वक्र से बना है तो यह वाई इक्वल में क्या है एक्स का पावर फोर है चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा x का पावर फाइव बाई फाइव पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतार दिया और यह वन टू फाइव इसका दिया हुआ है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर यहाँ हो जाएगा फाइव का पावर फाइव बाई फाइव का पावर फाइव बाई फाइव देखिए यह आपका एक यहाँ फाइव का पावर फाइव है और नीचे फाइव है तो यहाँ फाइव का पावर फोर हो जाएगा फाइव का फोर पावर फोर, फोर मतलब सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव छ सौ पच्चीस और माइनस यहाँ एक बट्टा पांच होगा एक बट्टा पांच का मतलब जीरो दशमलव दो यहाँ घटा देंगे तो छः सौ चौबीस दशमलव आठ वर्ग इका आ जाएगा छत पर ठीक है यह आपका आंसर हो गया क्लियर है चलते अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन